तो दोस्तों फाइनल बर्थडे मेरा हो चुका है और तो दोस्तों फाइनली देखिए आ गए हैं जिनका इंतजार कर रहे थे बहुत देर से। खाना की छोड़ी खाना खाने की जरूरत मतलब लगता है ये पूरा मतलब काम कर रहे बिजी थे लगता है खाना नहीं बनाए क्या। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, खाना ऐसे हम खाना खा के आए और देख सकते मुझे पता है क्या सारे पानी है और कितना कूल लग रही है, स्वीट लग रही है। मेरा पति भी स्वीट है, स्वीट स्वीट है ना दोस्तों। बहुत सोच रहे कब से आए, बस देखते हैं अभी कितना टाइम हो रहा है तो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर थाली है और इधर उनका। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और हम लोग भी बहुत ही बढ़िया हैं। तो दोस्तों आज उनका समझिए बिटू जी का बर्थडे है और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज क्योंकि उनका बर्थडे है और अभी शाम का मौसम आ गया, मतलब शाम हो चुका है अभी, कभी करीब 7 बज रहा है और उनका बर्थडे सोच रही हूँ अभी क्या करूँ नहीं करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो ड्यूटी चले गए हैं सुबह ही में, 3 बजे गए हैं, सुबह में नहीं 3 बजे गए हैं दोस्तों। और वो बोले कि बर्थडे उर्डे नहीं मनाएंगे इस बार। मैं बोली क्यों नहीं मनाइएगा ऐसे, नहीं मैं तो मनाऊँगा आपका बर्थडे। तो बोले नहीं नहीं मनाऊँगा मैं, तो बोले कुछ नहीं बोल पाए, बोले ठीक है मत मनाइए मैं तो मनाऊँगी ना ऐसा। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसा बर्थडे क्या तैयारी करूँ, मुझे कुछ अकेले समझ में नहीं आ रही दोस्तों। मैं फिर भी सोच रही हूँ मैं तो बर्थडे मनाने वाली हूँ दोस्तों, मैं उनको सरप्राइज दे दूँगी कि देखती हूँ क्या उनका स्पेशल रहेगा। मैं अकेली जो भी ज़्यादा नहीं मतलब ये करूँगी, लेकिन फिर भी जितना ही करूँगी उनको तो अच्छा लगेगा ही, उतना कर जरूर करूँगी मेरे से जितना होगा उतना। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ किसी को मतलब ये नहीं बुलाना नहीं है, बस हम अपने दोनों बहुत ही खुशी से केक काटेंगे और बर्थडे मनाएंगे उनका। तो चलिए दोस्तों हमारे ब्लॉग में ऐसे ही पूरा वीडियो में बने रहिए हमारे और दिखाते हैं कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या क्या सामान वाला कुछ नहीं लेके आए दोस्तों और कुछ नहीं तैयारी किए हैं। अभी रूम दिखाते हैं तो रूम में मुझे साफ़ सफाई थोड़ा करना है, देख सकते हैं अभी वैसे ही सब पड़ा है तो थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाना है, पूरा रूम को क्लीन करना है थोड़ा और थोड़ा से अच्छे से कर देंगे और फिर जाएंगे केक उक लाएंगे। अभी सामान वामान थोड़ा सा बाकी है, मतलब कुछ नहीं लाए हैं, वो सब थोड़ा बहुत सामान वामान वो भी लाना रहेगा, वो भी जाऊंगी लाने के लिए और देखती हूँ। बिट्टू जब ये करीब आएंगे, अभी 3 बजे गए हैं ना शाम को, तो ये आ जाएंगे 11:30 बजे तक आ जाएंगे। वीडियो बनाने वाली हूँ और केक भी मतलब सच में उनका बर्थडे मनाने वाली हूँ, उनको सरप्राइज करने वाली हो, उनको पता नहीं है, बस उनको इतना पता है कि सीमा कुछ तो करने वाली है, उनको ऐसा शक है क्योंकि मैं मोबाइल मांगी थी सुबह सुबह, वो मेरे वाले मोबाइल लेके गए हैं और उनका मैं मोबाइल रख ली थी। मैं बोली कि जे आप अपना मोबाइल लेके जाइए आज, मेरा वाला लेके जाइए, तो मेरा वाला लेके गए हैं और बोले क्यों मैं अपना मोबाइल दूँ बोले नहीं दीजिए मुझे काम, तो बोले ठीक है क्योंकि मुझे ब्लॉग भी करना था, आप लोग को भी दिखाना था ना कि हाँ हम कैसे कैसे रेडी कर रहे हैं उनको ये करने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए, तो बस इसीलिए। और पैसा भी नहीं था मेरे पास दोस्तों, मैं घर में पैसा नहीं रखती हूँ, तो अभी फ़ोन पे ही सामान लूँगी तो फ़ोन पे ही मारेंगे, मेरे पास पैसा भी नहीं था तो इसके लिए मैं फ़ोन रख ली हूँ और आप लोग से तो वीडियो बनाऊँगी ही आप लोग को दिखाने के लिए। तो दोस्तों हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रही और हम जितना उतना ही करेंगे, लेकिन बिट्टू जी के बर्थडे मनाएंगे ज़रूर, वो आएँगे, हम उनका इंस्पिरेशन जो कहता है ना वो देखना चाहती हूँ। जब तक आएंगे तो मैं पूरा रेडी करके रखूँगी, कुछ मीठा भी बनाएंगे अभी, तो जाते हैं सामान वाले के आते तभी बनाएंगे, पहले थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेते हैं फिर बनाएंगे कुछ मीठा उठा, फिर उनके बर्थडे की तैयारी करेंगे, मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं रहेगा, बस केक उक बस ये सब रहेगा। तो आपको तो दोस्तों फाइनली थोड़ा सा साफ़ सफाई हो चुका है, बर्तन था थोड़ा साफ़ कर लिए हैं और चलिए लेके आते हैं सामान बर्थडे का। तो दोस्तों फाइनली दुकान से आ गए हैं, देख सकते हैं सामान वामान लेके आए हैं, ये बर्थडे का थोड़ा बहुत सामान है और फूल वगैरह लेके आए हैं और पहले जाके ले आऊँगी, तो अभी बस इतना ही सामान लेके आई हूँ। चलिए तब जितना ही सामान उतना ही रेडी करते हैं, बिट्टू जी का भी मतलब जल्दी आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास तो सजाने में टाइम भी लगेगा। तो चलिए बस ब्लॉग में ऐसे ही बनते रहिए और लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत कुछ खास होने वाला है बस इस वीडियो में। तो बस और क्या, चलिए तैयारी करते हैं अपनी बिट्टू जी के लिए रेडी। दोस्तों देख सकते हैं कैसे टेबल वाले इधर लगाए हैं, सेट कर रहे हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पहली बार उनके लिए कुछ मतलब ये कर रही हूँ, मतलब मुझे अजीब हो रहा है। तो 12 लगा दिए हैं, ज़्यादा नहीं,
और उनके इधर गिफ्ट भी रखा है दोस्तों, इसमें बहुत ही कुछ खास रखा है, आप लोगों को दिखाएंगे। और मैं देखिए थोड़े अच्छे से फेस बना लेती हूँ, थोड़ी सी अच्छे से ठीक ठाक होके रेडी होकर के रहती हूँ। वो आएंगे फटाक दर के कट करेंगे बस तभी। तो दोस्तों फाइनली पूरा रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं, और यही साड़ी पहन ली है। मुझे तो ज़्यादा अच्छा सा था नहीं पहनने, बट जैसे ही आया वैसे ही पहन लिए श्री पीटर जी की खुशी के लिए, क्योंकि मैं साड़ी पहनती तो उनको बहुत ही अच्छी लगती हूँ। तो इन इसके लिए सोचे आज उनका बर्थडे है तो इस अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता है, चलो साड़ी पहन लेते हैं। तो उनके लिए साड़ी पहने दोस्तों, और देखिए फाइनली मेरा पूरा सेटअप जो है रेडी हो चुका है। देखिए देखिए नाम है टू। और दोस्तों 11:15 हो चुका है और अभी कुछ क्षणों में आ जाएंगे, तो बहुत ये हो रहा है, देखते तो जी क्या सोच रहे हैं, सोच रहे क्या उनका अच्छा लग रहा है कि नहीं मेरा सरप्राइज, बस मैं यही सोच रही हूँ। तो दा कुछ नहीं, बस सिंपल सा, तो देखती हूँ फिर आने दीजिए उनसे, फिर मिलवाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों फाइनली देखिए आ गए हैं जिनका इंतजार कर रहे थे बहुत देर से। ये क्या है? आपके लिए बहुत अच्छे से सजाया है अपना तरफ से, पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं, मुझे पता नहीं है। दोस्तों 12 बजने में भी 20 दोस्तों अभी क्या बोले, ये देखिए अभी जस्ट अभी आए हैं, 23:42 हो रहा है, ड्यूटी से आए हैं। जल्दी कपड़ा चेंज करिए, जल्दी से भर दूंगी नहीं सर वही पर, अरे हाथ धो के हम गए, अच्छा से गए तो पता है क्या। हाँ तो कपड़ा चेंज करिए जल्दी से, बस 1 मिनट में चेंज करिए और फटाफट हम के करती। दोस्तों 12 बजने में सिर्फ कितना मिनट बाकी है, 17 मिनट कुछ बाकी है, 12 बज जाएगा। बहुत अच्छा, फटाफट के काटते हैं फिर आप लोग से बात करेंगे। अच्छा लगा सच में? सच में बहुत अच्छा लगा, इतना मतलब उम्मीद नहीं था कि तुम ऐसा करेगी। हाँ। दोस्तों बहुत आदमी दीप जला लिए हैं, थोड़ा सा बैठिए ना, बैठिए ना। नहीं ठीक है चलो ठीक है, ऐसे पूरा पक्षी है। अब बस केक काटने की बारी है, तो जल्दी जल्दी काट लीजिए फ्रेंड, आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उसके साथ साथ मैं भी कर रही हूँ। जल्दी काटिए। Happy birthday to you, happy birthday to you. बस हो गया। चलिए फिर मैं खिलाऊंगी ना। हेलो सच में दोस्तों, इसमें बहुत मतलब क्या बोले, कहाँ से दिमाग लाए थे इसमें, बस ले आए। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, हमको तो लगा था कि होगा। और दोस्तों फाइनली इनको बर्थडे हो चुका है, आइए कि कौन बुझाएगा। छोटा बच्चा है ना। अरे अभी ड्यूटी से आया है पूरा, मतलब हर बरी में है ना। हाँ लगाएंगे इसलिए। चलो कैसा लगा? हाँ अपने बर्थडे में फूल रहे हैं, बस थोड़ा सा लगा दिए थे जरा, कुछ नहीं बस इतना ही। दोस्तों बर्थडे तो हो गया बहुत ही मस्त में, लेकिन अभी तक तो कोई गिफ्ट नहीं मिला इनको। अब गिफ्ट की बारी है दोस्तों, तो आप लोग को बताए थे इसमें कुछ है। ये गिफ्ट कहाँ से लाए थे? लाए थे ना। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। ओह माय गॉड, ये बिटू जी दिखाएंगे, पहले मैं पेन हाथ देती हूँ, उसके बाद कौन हाथ ही में तो दोस्तों फाइनल बर्थडे मेरा हो चुका है, और मतलब इतना सोच नहीं थी जितना सीमा की है, देख सकती है सच में, मतलब रियली मतलब इतना सोचे थे कि बर्थडे है मेरा, लेकिन ये नहीं सोचे थे, ये एकदम दिल से बोल रहे हैं कि सीमा है, मतलब ये सब करेगी,
मतलब हम तो ड्यूटी में थे, आप लोगों को पता है, और आप लोगों को बताते हैं कि ये जो है ना अंगूठी, ये मुझे बहुत काफ़ी पसंद है, मतलब ओडी डिजाइन का है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये शायद सिल्वर का है ये, तो फिर दोस्तों ये सिल्वर का है और मुझे चांदी का है, मतलब अब बहुत अच्छा लग रहा है। कितना का है वो भी बताए मत बताओ, आप लोग करीब से दिखाते हैं इसमें कितना अच्छा से दिल बनाई है, मुझे आता भी नहीं था फिर ये केक और गुब्बारा वगैरह लगाई है, मतलब क्या बोले, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सारी पानी अपने से ऐसे इसको बोलते हैं तो पानती नहीं सारी, तो दोस्तों बस इनके लिए खुशी के लिए, क्योंकि इनका बर्थडे था और मुझे मौका भी था पहनने का, और साड़ी पहनते थे बोलते बहुत अच्छी लगती, इसके लिए मैं जबरदस्ती में चाहता भी नहीं, फिर भी कैसे किसी करके पहन दी, बस पहन दी। तो दोस्तों क्या कहे, मतलब कुछ शब्द नहीं बोलने के लिए कि क्या बोले, कि हम स्क्रिप्ट नहीं किए थे कि हाँ सीमा मतलब सब। तो चले दोस्तों अभी क्या बोले, अब खाना क्या बनाई सीमा, खाना खाना की छोड़ी खाना खाई मतलब लगता है ये पूरा मतलब काम कर रहे बिजी थी, लगता है खाना नहीं बनाई क्या, नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, खाना ऐसे हम खाना खा के आए और देख सकते मुझे पता है क्या सारे पानी है और कितना कूल लग रही है, स्वीट लग रही है, मेरा पति भी स्वीट है, स्वीट तो चले दोस्तों बस, तो बस आप लोग को यही बोलेंगे कि केक तो खाएंगे, तो बस आप लोग यही बोलेंगे कि आज मेरा बर्थडे था तो सेलिब्रेट हो चुका है, कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिख के डाल दीजिए। अच्छा क्यूटी सी बेबी, तो ठीक है दोस्तों इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।